राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैंक लॉकर से लाखों के कीमती जेवर गायब हो गए। पीड़ित अमित प्रकाश बहादुर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि बैंगलोर में रहकर नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि चौक थाना क्षेत्र के कोनेश्वर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका लॉकर है, जहां उन्होंने वर्ष 2018 में लॉकर में कीमती जेवर रखे थे। शनिवार को जब वो बैंक पहुंचे तो उन्हें लॉकर से जेवर गायब मिले। पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों पर लापरवाही व जेवर गायब करने का आरोप लगाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, किस तरह से आप लोग जब बैंक में गए, क्या कुछ आप लोग को देखने को मिला, क्या क्या रखा हुआ था बैंक के लॉकर के अंदर? क्या क्या रखा हुआ उसकी पूरी लिस्ट तो दी हुई है। 23 तारीख को पापा और मम्मी बैंक लॉकर गए थे ऑपरेट करने, जस्ट ऐसे देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। और मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, मैं तो बाहर था। तो जब ये लॉकर ऑपरेट करने गए तो लॉकर ऑपरेट करने का प्रोसीजर होता है, आपको रजिस्टर पर साइन करना पड़ता है। तो स्वाति मैनेजर ने लॉकर पर रजिस्टर पर साइन करवाया और साथ में उनको भी जाना पड़ता है, बिकॉज बैंक की एक चाबी लगती है। वो चाबी लेके गई लोग के साथ में। तो जब पहले मैनेजर को चाबी लगानी होती है बैंक को, फिर उसके बाद कस्टमर चाबी लगाता है। जब उन्होंने चाबी लगाई तो उनकी चाबी घूमी ही नहीं, और जैसे ही उन्होंने चाबी बाहर खींची अपनी, तो लॉकर का दरवाज़ा ही खुल गया और उसके अंदर जो लॉकर सिस्टम होता है वो टूट के नीचे लॉकर में ही गिर पड़ा, और अंदर से कुछ भी सामान नहीं था, सारा सामान गायब। तो ये प्रकरण हुआ था 23 अक्टूबर को। ये आपने तहरीर कहाँ दी आपने? पहले सबसे पहले तो मैंने बैंक को ही कंप्लेंट करी, बैंक को लिख के दिया। फिर उसके बाद जब ये मुझे पता चला तो मैं 26 तारीख को बैंगलोर से आया, मैं बैंक मैनेजर से मिलने गया, लेकिन मुझे उनका रवैये से पता लगा कि कुछ ढीला सा है, मतलब पुलिस को सूचना दी आपने। फिर उसके बाद मैं पुलिस के पास गया, पुलिस को बताया मैंने। पुलिस ने बोला कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, पहले एक बार हम प्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आप FIR लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने भी प्री इन्वेस्टिगेशन किया, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में गया लॉकर रूम तक, वहाँ चेक करके आया। उस बीच में आपकी कोई बातचीत हुई आपकी किससे, मतलब पुलिस से या बैंक से? बैंक से मैं मंडे को मिलने गया था बैंक से, बैंक से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा, ढीला लगा, तब मैं पुलिस के पास। लगभग कितना सामान था लॉकर में? लगभग 200 तोले के आसपास सोना, जिसमें जेवरात तो थे, पुराने पुश्तैनी जेवरात और कुछ सोने के सिक्के, ये सब रहा। क्या लगता है कि इसकी वजह से किसने किया होगा ये? सर, ये केवल हमारा लॉकर टूटा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक में कोई चोरी या डकैती पड़ी होगी उसकी वजह से हुआ है। तो ये काम बैंक के किसी आदमी के मिले बगैर तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का चौक निवासी हूँ, चौक लखनऊ में रहता हूँ। अभी क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अभी कोई आश्वासन तो कुछ भी नहीं दिया गया है। बैंक की तरफ से भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, वो भी आए थे मिलने, वो भी मुझसे सारी जानकारी लेके गए हैं, और पुलिस को भी मैंने FIR में पूरी जानकारी दे दी है, और जो भी उनके क्वेश्चंस थे और जो भी उनके रिलेटेड कितना माल था, क्या माल था, सब मैंने उनको एक लिस्ट बना के दी है पूरी। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र बहादुर। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं जब 23 तारीख को वहाँ पर बाइक के संग में लॉकर ऑपरेट करने गया, तो पहले वहाँ पर काउंटर पे जाकर रजिस्टर पे सिग्नेचर करना पड़ता है, तब वो मैनेजर जो होता है लॉकर का इंचार्ज, वो अपनी चाबी लेके नीचे आता है। उसने जैसे ही वो चाबी अपनी लगाई और लगाने के बाद वो निकली नहीं, तो उसने खींचा तो मेरा लॉकर खुल गया, जबकि मुझे अपनी चाबी लगाना चाहिए था उसकी चाबी के बाद, और खुला तो देखा उसका सिस्टम उसी के अंदर पड़ा हुआ और मेरा सामान सब गायब। इसकी सूचना मैंने मैनेजर को उन्होंने बुलाया, स्वाति थी ये लॉकर की इंचार्ज, वो लेके गई थी, और फिर उन्होंने मैनेजर कॉल किया, मैनेजर का ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, तो फिर वो अनिल कुमार चौहान नाम है मैनेजर का, अनिल कुमार चौहान। सर ये कौन सा बैंक का मामला है? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच, चौक ब्रांच कोनेश्वर मंदिर पर है। तो क्या प्रक्रिया, आप पुलिस विभाग गए? पुलिस सबसे पहले तो मैंने उनको लिख के दिया
डिटेल किस किस तरह से एक बोल रहे थे। हाँ तो उनको लिख के दिया जी। उसके बाद फिर इनको पता चला कि ये आए 26 को रखें, 26 को ये लोग आए तो उन्होंने फिर 26 को गए मिलने बैंक मैनेजर से, आपने हमारी एप्लीकेशन पर क्या किया, तो उनके कोई जवाब संतुष्ट नहीं मिले, तो हम लोग पुलिस के पास गए। अब लगा दिए, अब ये पूरा फॉलो ये कर दिएगा, ठीक है लगाइए। सर अपना नाम बता दिए। अमित बहादुर। अमित बहादुर जी, क्या आपके फादर के साथ ये जो है घटना घटी है जी? कौन से बैंक का मामला है? बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच पुनेश्वर मंदिर के सामने। क्या है पूरी प्रक्रिया बता दिए? प्रक्रिया यही है कि 23 तारीख को जो हमारे मदर फादर गए हैं लॉकर ऑपरेट करने, तो उनका सिंपल रीज़न था कि चलो बीच बीच में इतने दिन कोरोना चला तो जा नहीं पाए, तो एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं, तो यही ऑपरेट करने गए थे। जब गए तो मैनेजर ने अपनी चाबी लगाई तो वो घूमी नहीं, उसने अपनी चाबी वापस निकालने की कोशिश करी तो लॉकर खुल गया और पूरा सिस्टम अंदर पड़ा हुआ था, सारा सामान गायब था। ये प्रक्रिया थी। इसकी सूचना जो है आपने मैनेजर को दी थी? मैनेजर को उसी दिन दे गई, 23 तारीख को दे दी गई थी। मैं 26 तारीख को जब बैंगलोर से लौट के आया जी, मतलब यहाँ पर आया, तब मैंने मैनेजर से बोला एक बार, मैं मिलने गया उनसे कि भाई आपने कुछ इस पर कार्यवाही करी जी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, तो उनका कुछ संतोषजनक जवाब ही नहीं था कि हाँ हो रहा है, अब आपको बताएंगे। अभी तक उनका आज तक कोई रिटर्न हमको रिप्लाई भी नहीं आया है। क्या लॉकर में क्या था और कितना कैश था, कितना जेवर था, क्या गया? कैश तो कुछ भी नहीं था जी, केवल सोने की ही चीज़ें थी, पुश्तैनी जेवर और कुछ गोल्ड के कॉइन्स थे। टोटल पूरा फैमिली का मिला के उस जो लॉकर था उसमें मेरी वाइफ का, मेरी मदर का, मेरे ब्रदर की वाइफ का, बच्चों को जो सामान गिफ्ट मिले वो सब कुछ उसी में था, तो करीब 200 तोला के आसपास उसमें सामान रखा हुआ था। 200 तोला और वो कुछ भी सामान उसमें, 200 तोला की पूरी लिस्ट जो है एक एक जेवर की मैंने थाने में पुलिस को जमा कर दी। कि क्या लगता है किसके द्वारा ये काम को अंजाम दिया गया होगा? सर ये एक अकेला मेरा लॉकर टूटना ही बहुत विचित्र मुझे लग रहा है, और ये लॉकर टूटना बगैर किसी बैंक के एम्प्लॉय के मिले ये काम हो ही नहीं सकता। जिस दिन लॉकर टूटा था ब्रांच मैनेजर ने अपने एक जो उनका लॉकर मेंटेनेंस में करते हैं एक दीपक नाम के बंदे को बुलाया था, उसने आके लॉकर देखा था, बाहर निकल के पापा ने उससे बात करी कि कैसे हुआ होगा ये, तो उसने बोला कि सर ये ड्रिल ओपन है और ड्रिलिंग के बगैर ये ओपन ही नहीं हो सकता। तो कार्रवाई के लिए अभी पुलिस विभाग गए, क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला आपको? पुलिस विभाग जब गए तो उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए एक प्री इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मैं आपके FIR लॉन्च करूँगा। तो प्री इन्वेस्टिगेशन में मैं पुलिस वालों के साथ बैंक गया, बैंक ने जब मैं गया और उनके साथ में लॉकर में भी गया, तो लॉकर में क्या देखा मैंने कि जो मेरे पास जो फ़ोटोएँ हैं जो पापा ने ली थी उस दिन बैंक लॉकर की, उस फोटो में अच्छा खासा लॉकर की स्ट्रिप डैमेज दिख रही है। जब मैं उस मौके पे गया और लॉकर की स्ट्रिप देख रहा हूँ तो वो कोई डैमेज नहीं दिख रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम की नंबर होता है वो की नंबर स्वाति ने खुद ब्रांच मैनेजर के आपको बताया, वहीं रूम में पापा मम्मी बैठे हुए थे उस दिन, और स्वाति आई बोली ब्रांच मैनेजर से कि सर आप लोग का जो की नंबर रजिस्टर पे लिखा हुआ है वो डिफरेंट है और हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में जो की नंबर चढ़ा हुआ है वो डिफरेंट है। तो आपको उसी टाइम उस की नंबर डिफरेंस पाया गया तो उसको खोला गया दोबारा? नहीं तो ब्रांच मैनेजर, मैंने इस चीज़ को पूछा कि भाई की नंबर डिफरेंट क्यों है, तो ब्रांच मैनेजर का जवाब था कि सर हमारा कंप्यूटराइजेशन अभी हुआ नहीं है, चल रहा है और उस रिकॉर्ड पर मत जाइए, ऐसे कह के उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। बट मेरे दिमाग में सवाल ये कि मेरा ही लॉकर टूटा और मेरा ही की नंबर केवल कंप्यूटर में डिफरेंट है, ये बड़ी विचित्र चीज़। जनता का सा एक सवाल ये रहा है कि हमेशा बैंक से सेफ रहता है अपनी चीज़, अब बैंकों में भी इस तरह की घटना होने लगी, कैसे देखते हैं इसको? सर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बैंक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ब्रांच मैनेजर हमसे कहते हैं कि बैंक इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, उल्टा पापा से ये बोले तो हो सकता आप ही नहीं किया हो, मतलब कोई भी एम्पैथी देने के बजाय वो उल्टा कस्टमर सही बोल रहे हैं ऐसा। ठीक, अनिल कुमार। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।